सन, दिस इज मेघा और ये हमारा सेकेंड लेक्चर है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी चैप्टर 7 पॉल सेंस क्लास 10th का। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। सो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इफ डेमोक्रेसीज आर एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस गुड गवर्नमेंट देन इट इज नॉट फेयर टू एक्सपेक्ट देन दे वुड ऑल्सो प्रोड्यूस डेवलपमेंट। अब हम डेमोक्रेसी से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो एक अच्छी गवर्नमेंट है, तो हमें ये भी एक्सपेक्ट हम करेंगे कि हम लोग डेवलपमेंट की बात भी करेंगे। सो एविडेंस शोज दैट इन द प्रैक्टिसेस में डेमोक्रेसी डिड नॉट फिल दिस एक्सपेक्टेशन। डेमोक्रेसी डेवलपमेंट को प्रेफर नहीं कर पाई, एक्सपेक्टेशन को फुलफिल नहीं कर पाई। सो इफ़ यू कंसीडर ओल्ड डेमोक्रेसीज एंड ओल्ड डिक्टेटरशिप फॉर द 50 years बिटवीन 1950 to 2000, सो डिक्टेटरशिप हैव स्लाइटली हायर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर हम ये देखते हैं कि डेमोक्रेसी में जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है लास्ट 50 years के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रही है, जबकि इंस्पाइट अगर हम बात करते हैं नॉन डेमोक्रेसीज के अंदर, डिक्टेटरशिप्स के अंदर, तो ये जो ग्रोथ है वो स्लाइटली हायर रेट में रही है। द इनएबिलिटी ऑफ डेमोक्रेसी टू अचीव हायर इकोनॉमिक डेवलपमेंट वरीज। सबसे बड़ा डर का कारण, वरी का कारण यही है कि हमारी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होनी चाहिए देश की वो इतनी नहीं हुई। बट दिस अलोन कैन नॉट बी रीज़न टू रिजेक्ट डेमोक्रेसी। ये एक रीज़न की वजह से हम डेमोक्रेसी को रिजेक्ट नहीं कर सकते। एज यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन इकोनॉमिक्स, जैसा आप पहले इकोनॉमिक्स में पढ़ चुके हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट डेवलप्ड डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर्स। वो बहुत से फैक्टर्स पर डेवलप कर डिपेंड करता है सॉरी। सो वो क्या है, कंट्री का पॉपुलेशन का साइज़। जैसा आप जानते हैं कि हमारे देश की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है। पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो नेचुरली मार्केट वाइड होगी, मार्केट वाइड होगी तो क्या होगा, लोगों की डिमांड ज़्यादा होंगी और बहुत सारी फैक्टर्स लगेंगे देश में। तो ग्लोबल सिचुएशंस भी देखी जाती हैं कैसी हैं, कॉपरेशन फ्रॉम अदर कंट्रीज़ क्या हैं, इकोनॉमिक प्रायरिटीज़ क्या हैं अडॉप्टेड बाय द कंट्री, क्या हम लोग इकोनॉमिक प्रायरिटीज़ फॉलो कर रहे हैं। हाउ एवर द डिफरेंस इन द रेट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिटवीन लेस डेवलप्ड कंट्रीज विद द डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसीज इज नेगलिबल। अब अगर हम इकोनॉमिक्स डेट को देखें, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो डेवलप्ड कंट्रीज का डिक्टेटरशिप के साथ और डेमोक्रेसीज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है। ओवरऑल वी कैन नॉट से दैट डेमोक्रेसीज अ गारंटी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि जो डेमोक्रेसी है वो इकोनॉमिकली डेवलपमेंट लाएगी। सो बट वी कैन एक्सपेक्ट डेमोक्रेसी नॉट टू लैग बिहाइंड डिक्टेटरशिप इन दिस रिस्पेक्ट, लेकिन हम उतना पीछे भी नहीं जा सकते। सो व्हेन वी फाइंड सच सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ बिटवीन कंट्रीज अंडर डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसीज, इट इज़ बेटर टू प्रेफर डेमोक्रेसी। अगर हम इन चीज़ों में देखें कि डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप को अगर हम फॉलो देख रहे हैं एंड कि किस में हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा है, तो भी हमें क्या करना चाहिए कि हमें प्रेफर किसे करना चाहिए, डेमोक्रेसी को करना चाहिए, क्योंकि जो उसके आउटकम्स हैं वो पॉजिटिव हैं। सो इकोनॉमिक आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। इकोनॉमिक आउटकम्स में क्या रहता है बेटा, कि ये देखा जाएगा कि कौन सा देश है जो ज़्यादा इकोनॉमिकली डेवलप कर रहा है। रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी, कैसे कमी की जाए, सबको इक्वल कैसे रखा जाए, पॉवर्टी के ऊपर क्या किया जाए। सो परहैप्स मोर देन डेवलपमेंट इट इज़ रीजनेबल टू एक्सपेक्ट डेमोक्रेसीज टू रिड्यूस इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। सबसे पहले जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज पाई जाती हैं कि बहुत से लोग बहुत अमीर हैं, बहुत पॉपुलेशन गरीब है, उस डिस्पैरिटीज को सबसे पहले ख़त्म किया जाए। इवन व्हेन अ कंट्री इज अचीव इकोनॉमिक ग्रोथ विल वेल्थ बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन सच अ वे दैट ऑल सिटीजन्स ऑफ द कंट्री विल हैव अ शेयर एंड लेट अ बेटर लाइफ। अगर कोई देश जैसे ग्रो कर रहा है तो वहाँ पर जितना भी खजाना है वो पीपल्स के अकॉर्डिंगली बांट देना चाहिए, कि जिससे लोग अपनी लाइफ जो है एक बेटर लाइफ वहाँ पर स्पेंड कर सकें। सो इज इकोनॉमिक ग्रोथ इन डेमोक्रेसीज एकम्पेन्ड बाय इंक्रीज इन इक्वालिटीज अमंग द पीपल। क्या इकोनॉमिक ग्रोथ जो है डेमोक्रेसी में वो क्या कर रही है, बढ़ा रही है इनइक्वालिटी को पीपल्स में, और टू डेमोक्रेसी लेट इट जस्ट आर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड अपॉर्चुनिटी। क्या जो डेमोक्रेसी है वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स और अपॉर्चुनिटीज ही है। डेमोक्रेसीज आर बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वालिटी।
सबसे पहले हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है बेटा वो किस पर बेस्ड है, इक्वालिटी पर बेस्ड है। सो डेमोक्रेसी भी किस पर बेस्ड होनी चाहिए, पॉलिटिकल इक्वालिटीज होनी चाहिए। सबसे पहले सब लोगों को इक्वल समझा जाना चाहिए। ऑल इंडिविजुअल्स हैव इक्वल वेट इन इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव, सबकी जो वोटिंग राइट्स हैं वो सिमिलर होने चाहिए, सभी को अपने इलेक्शन के अंदर अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनने का राइट होना चाहिए। पैरेलल टू द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग इंडिविजुअल इनटू द पॉलिटिकल अरीना, सभी को इक्वल चांसेस मिलने चाहिए पॉलिटिक्स में आने का। वी फाइंड ग्रोइंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़, हमने बहुत जगह पर क्या दिखाया है कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ पाई जाती हैं। स्मॉल नंबर ऑफ अल्ट्रा रिच जो इन्फ्लुएंस करते हैं पीपल, जो मेजोरिटी पीपल होते हैं, जो अमीर होते हैं, वो इसका सबसे ज़्यादा वेल्थ का और इनकम का फ़ायदा उठाते हैं। सो नॉट ओनली दैट देयर शेयर इन द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री हैज़ बिन इंक्रीजिंग, दोज एट द बॉटम जो बेचारे बहुत लोअर लेवल पर हैं उनको क्या है कि उनको बहुत कम इनकम का पार्ट मिलता है। देयर इनकम हैज़ बिन डिक्लाइनिंग, उनकी इनकम डे बाई डे कम होती जा रही है। समटाइम दे फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू मीट देयर बेसिक नीड, कई बार क्या होता है वो अपनी जो रोज़मर्रा की ज़रूरत है वो भी पूरी नहीं कर पाते, जैसे कि खाना है, कपड़े हैं, घर है, एजुकेशन है, हेल्थ है। सो इन एक्चुअल लाइफ डेमोक्रेसीज डू नॉट अपीयर टू बी वेरी सक्सेसफुल, अगर हम देखें एक्चुअल लाइफ के अंदर तो जो डेमोक्रेसी है वो ज़्यादा इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ को कम करने में ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुई है। जैसा कि हम क्लास 9th की टेक्स्ट बुक में भी ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं पॉवर्टी के बारे में, जो पुअर कॉन्स्टिट्यूट अ लार्ज प्रोपोर्शन, अगर हम देखें कि जो वोट करने वाले भी पीपल्स हैं वो गरीब लोग सबसे ज़्यादा होते हैं, और वो गरीब लोग ही हैं इंडिया के अंदर जो सबसे ज़्यादा प्रोपोर्शंस में हैं। सो द पुअर कॉन्स्टिट्यूट अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ आर वोटर्स एंड नो पार्टी विल लाइक टू लूज देयर वोट, कोई भी पार्टी जो है वो उनके वोट खोना नहीं चाहती। येट डेमोक्रेटली इलेक्टेड गवर्नमेंट डू नॉट अपीयर टू बी एज कीन टू द एड्रेस द क्वेश्चन ऑफ पॉवर्टी एज यू वुड एक्सपेक्ट देम टू, और कोई भी लेकिन उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता है कि किस तरह से हमने पॉवर्टी को रिमूव करना है देश से। द सिचुएशन इज़ मच वर्स इन सम अदर कंट्रीज, अगर हम बांग्लादेश की बात करते हैं तो वहाँ पर आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन क्या है जो पॉवर्टी लाइन के अंदर बिलो पॉवर्टी लाइन में है। सो पीपल इन सेवरल पुअर कंट्रीज आर नाउ डिपेंडेंट ऑन द रिच कंट्रीज इवन फॉर फूड सप्लाईज, अब बहुत से ऐसे देश हैं जो रिच कंट्रीज पर डिवाइड करते हैं, किसके डिपेंड करते हैं किसके लिए, फूड सप्लाईज के लिए। एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी, डू डेमोक्रेसीज लेड टू अ पीसफुल एंड हार्मोनियस लाइफ अमंग सिटीजन, क्या डेमोक्रेसी के अंदर शांतिपूर्वक जिंदगी बिता सकता है एक आदमी, इट विल बी अ फेयर एक्सपेक्टेशन, ये एक सही एक्सपेक्टेशन है डेमोक्रेसी से कि वो हमारी ज़िंदगी ऐसी होनी चाहिए उसके अंदर जो हार्मोनियस सोशल लाइफ होनी चाहिए। वी हैव सीन इन द अर्लियर चैप्टर्स हाउ डेमोक्रेसी अकोमोडेट वेरियस सोशल डिवीजन, वी सॉ इन द फर्स्ट चैप्टर हाउ बेल्जियम हैज सक्सेसफुली नेगोशिएटेड, कि वहाँ पर जो पॉपुलेशन थी, जो एथनिक पॉपुलेशन थी, उनको कैसे सिस्टम में रखा गया कि ताकि वहाँ पर सिविल वॉर ना हो। डेमोक्रेसीज यूजुअली डेवलप अ प्रोसीजर प्रोड्यूस प्रोसीजर टू कंडक्ट देयर कॉम्पिटिशन, कि किस तरह से डेमोक्रेसी में कॉम्पिटिशन भी बना रहे, इसके साथ साथ कि किस तरह से रिड्यूस किया जाए, क्या पॉसिबिलिटीज, जो टेंशंस हैं जो एक्सप्लोसिव हो सकती हैं, वॉयलेंट हो सकती हैं। सो नो सोसाइटी कैन फुली एंड परमानेंट रिजॉल्व कंफ्लिक्ट, कोई भी सोसाइटी पूरी तरह से कन्फ्लिक्ट को सॉल्व नहीं कर सकती जितने भी वहाँ पर डिफरेंट ग्रुप्स पाए जाते हैं। सो वट वी कैन Certainly learn to respect these differences and we can also evolve mechanism to negotiate the differences. हमें क्या करना चाहिए कि ऐसे प्रोसीजर अपनाने चाहिए जिससे हम differences को दूर कर पाएँ। So democracy is the best suited to produce this outcome. सबसे main जिसका result है वो क्या है, democracy है। So non-democratic resign often turn a blind eye. अगर हम नॉन डेमोक्रेटिक की बात करें तो वो कैसे हैं, वो ब्लाइंड आए गए हैं, वो नहीं देख सकते उस प्रेस इंटरनल सोशल डिफरेंसेस, वो क्या करते हैं जो भी उनके समाज में भेदभाव होते हैं उन्हें दबा देते हैं सिर्फ। सो एबिलिटी टू हैंडल सोशल डिफरेंसेस डिवीजन एंड कन्फ्लिक्ट इज दस अ डेफिनेट प्लस पॉइंट, ये एक डेमोक्रेसी का प्लस पॉइंट है कि डेमोक्रेसी में इन बातों को हम उठा सकते हैं, इन मुद्दों को, लेकिन नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर हम ऐसी बात कोई नहीं कर सकते। अगर हम श्रीलंका की बात करें वो हमें क्या बताता है, क्या याद दिलाता है कि डेमोक्रेसी मस्ट फुलफिल टू कंडीशन इन ऑर्डर टू अचीव दिस आउटकम,
वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिनमें हम इन रिजल्ट्स को पा सकते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड दैट डेमोक्रेसी इज नॉट सिंपली रूल बाय मेजोरिटी ओपिनियन, कि डेमोक्रेसी कभी भी मेजोरिटी ओपिनियन से नहीं चलती। द मेजोरिटी ऑलवेज नीड टू गवर्नमेंट सॉरी टू वर्क विद द माइनॉरिटी। मेजोरिटी को हमेशा किसकी ज़रूरत पड़ती है? माइनॉरिटीज़ के साथ काम करने की, तभी वो जितने भी जनरल फंक्शंस हैं उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चला सकते हैं। मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी ओपिनियंस आर नॉट परमानेंट। मेजोरिटी और माइनॉरिटी के जो ओपिनियंस रहते हैं वो परमानेंट नहीं होते। इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी दैट रूल बाय मेजोरिटी डज नॉट बिकम रूल बाय मेजोरिटी। कम्युनिटी इन टर्म्स ऑफ रिलीजन और रेस और लिंग्विस्टिक ग्रुप एक्सेट्रा, ये ज़रूरी नहीं है कि जो माइनॉरिटीज हैं मेजोरिटी हैं वही हमेशा रूल करेंगी। किस पर? धर्म के बेस पर या लिंग्विस्टिक ग्रुप के बेस पर। रूल बाय मेजोरिटी मीन दैट इन केस ऑफ एवरी डिसीजन और इन केस ऑफ एवरी इलेक्शन डिफरेंट पर्सन एंड ग्रुप्स में एंड कैन फॉर्म अ मेजोरिटी। इसमें मेजोरिटी पर्सन सिर्फ अपनी मेजोरिटी तो ज़रूर साबित कर सकता है, लेकिन उसे माइनॉरिटी के साथ मिलकर ही काम करना होगा। सो डेमोक्रेसीज रिमेन डेमोक्रेसी ओनली एज लॉन्ग एज एवरी सिटीजन हैज़ अ चांस टू बीइंग इन मेजोरिटी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। डेमोक्रेसी के अंदर क्या है कि जब हम हर पर्सन को ये चांस दें कि उसको भी मेजोरिटी में आने का चांस मिलना चाहिए। इफ़ समवन इज़ बेयर्ड फ्रॉम बीइंग इन मेजोरिटी ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ और देन द डेमोक्रेटिक रूल इज टू बी एकोमोडेट फॉर द पर्सन और अ ग्रुप। कभी भी डेमोक्रेसी के अंदर किसी की भी जन्म की वजह से या किसी धर्म की वजह से उस पर्सन को मेजोरिटी का चांस नहीं मिलना चाहिए। सो द डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन। डेमोक्रेसी स्टैंड मच सुपीरियर टू एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन प्रमोटिंग डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। सबसे बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है डेमोक्रेसी। किसमें क्या है? हर पर्सन की डिग्निटी का और उसकी आज़ादी का ध्यान रखा जाता है। एवरी इंडिविजुअल्स वांट टू रिसीव रिस्पेक्ट फ्रॉम फेलो बींग्स। हर पर्सन अपने साथ के पर्सन से इंडिविजुअल से क्या चाहता है? रिस्पेक्ट चाहता है। सो ऑफन कॉन्फ्लिक्ट अराइज अमंग इंडिविजुअल्स बिकॉज सम फील दैट दे आर नॉट ट्रीटेड विद ड्यू रिस्पेक्ट। कॉन्फ्लिक्ट्स कब होते हैं? जब वो देखते हैं कि हमें उनके बराबर की इज्जत नहीं मिल रही। द पैशन फॉर रिस्पेक्ट एंड फ्रीडम आर द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी। जो पैशन है रिस्पेक्ट का और फ्रीडम का, ये मेन बेस है डेमोक्रेसी का। डेमोक्रेसीज थ्रू आउट द वर्ल्ड हैव रिकॉग्नाइज्ड दिस एटलीस्ट इन प्रिंसिपल। सबसे मेन डेमोक्रेसीज में ये चीज़ को देखा जाता है। सो दिस हैज़ बीन अचीव्ड इन वेरियस डिग्री इन वेरियस डेमोक्रेसीज। ये अलग अलग डेमोक्रेसीज में अलग अलग डिग्रीज पर पाई गई है। फॉर सोसाइटीज विच हैव बीन बिल्ट फॉर लॉन्ग ऑन द बेसिस ऑफ सबॉर्डिनेशन एंड डोमिनेशन, इट इज़ नॉट अ सिंपल मैटर रिकोगनाइज दैट ऑल इंडिविजुअल्स आर इक्वल। अब कई जगहों पर आप देखोगे सोसाइटीज में हर पर्सन को इक्वल नहीं समझा जा रहा। टेक द केस ऑफ डिग्निटी ऑफ वुमेन। अगर हम यहाँ पर वुमेन्स की डिग्निटी की बात करते हैं, सो मोस्ट सोसाइटीज अक्रॉस द वर्ल्ड आर हिस्टोरिकली मेल डोमिनेटेड। अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो बहुत सारी कंट्रीज क्या हैं, मोस्टली वर्ल्ड की सभी कंट्रीज मेल डोमिनेटेड थी, पुरुष प्रधान। वुमेन्स को लंबा स्ट्रगल करना पड़ा सम सेंसिटिविटी टूडे दैट रिस्पेक्ट टू एन इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन्स आर नेसेसरी। जिससे हम देख सकते हैं कि वुमेन्स को भी इक्वल समझा जाना चाहिए, इक्वली ट्रीट करना चाहिए। दैट डज नॉट मीन दैट वुमेन्स आर एक्चुअली ऑलवेज ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट। क्या हर बार वुमेन्स को रिस्पेक्ट दी जाती है? But once the principle is recognized, it became easier for women to raise a struggle against what is now as unacceptable legally and morally. लेकिन अभी क्या है, वुमेन्स अपनी आवाज़ उठा सकती हैं जब उनके साथ वो देखती हैं कि उनकी किसी भी बात को डेमोक्रेसी के अंदर लीगल नहीं समझा जा रहा। सो बिकॉज द प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम एंड डिग्निटी वुड नॉट हैव द लीगल एंड मॉरल फोर्स देयर। अगर हम नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात करें तो वहाँ पर वीमेंस को इतनी डिग्निटी या इस तरह से वोटिंग राइट्स, ये सब सिचुएशंस, ये सब फंडामेंटल राइट्स नहीं मिलते। द सेम इज ट्रू ऑफ केस इन इक्वालिटीज। डेमोक्रेसी इन इंडिया हैज स्ट्रेंथन द क्लेम ऑफ डिसएडवांटेजेस एंड डिस्क्रिमिनेटेड कास्ट फॉर इक्वल स्टेटस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी। डेमोक्रेसी ही एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो हर कास्ट को, हर पर्सन को इक्वल स्टेटस, इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है।
सो देयर आर इंस्टेंस स्टिल ऑफ कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटीज एंड एट्रोसिटीज, जो अत्याचार रहे हैं, सॉरी, जो इनइक्वालिटीज रही हैं कास्ट के बेस पर, बट दीज लैक द मोरल एंड लीगल फाउंडेशन. परहैप्स इट इज़ अ रिकॉग्नाइजेशन दैट मेक्स ऑर्डिनरी सिटीजन्स वैल्यू देयर डेमोक्रेटिक राइट. अब इसमें क्या है कि सबसे मेन कि हर पर्सन के डेमोक्रेटिक राइट्स की वैल्यू की जानी चाहिए. एक्सपेक्टेशन फ्रॉम डेमोक्रेसी ऑल्सो फंक्शन. लोगों की जो आशाएं हैं डेमोक्रेसी को लेकर वो शुरू से मेन काम करती हैं. क्या जो क्राइटेरिया है फॉर जजिंग यानी डेमोक्रेटिक कंट्री, कि कैसे हम जज करेंगे डेमोक्रेटिक कंट्री को, व्हाट इज़ मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड अबाउट डेमोक्रेसी इज दैट इट्स एग्जामिनेशन नेवर गेट्स ओवर. सबसे मेन क्या है कि डेमोक्रेसी के अंदर कभी भी उसका पेपर ख़त्म नहीं होगा. एक पार्ट खत्म होगा तो नया इशू आ जाएगा. सो एज डेमोक्रेसी पासिस वन टेस्ट इट प्रोड्यूसेस अनदर टेस्ट. सो एज पीपल गेट मोर सम बेनिफिट ऑफ डेमोक्रेसी दे आस्क फॉर मोर एंड वॉन्ट टू मेक डेमोक्रेसी इवन बेटर. तो लोगों को अगर कुछ चीज़ें अच्छी मिलती हैं तो वो और अच्छे की डिमांड करते हैं. सो दैट इज़ वाई वेन वी आस्क पीपल अबाउट द वे डेमोक्रेसी फंक्शन, जब हम बात करते हैं लोगों से कि डेमोक्रेसी कैसे काम करती है, दे विल ऑलवेज कम अप विद मोर एक्सपेक्टेशन एंड मैनी कंप्लेंट्स. तो लोगों की बहुत सारी कंप्लेंट्स रहती हैं और बहुत सारी वो लोग एक्सपेक्टेशंस रखते हैं डेमोक्रेसी से. द फैक्ट दैट पीपल्स आर कंप्लेनिंग इज इटसेल्फ अ टेस्टिमोनी टू सक्सेसफुल डेमोक्रेसी. जो लोगों की कंप्लेंट है वो खुद से एक तरह का टेस्ट है जिससे हमें पता चलता है कि डेमोक्रेसी कितनी सक्सेसफुल है. इट शोज दैट पीपल हैव डेवलप्ड अवेयरनेस एंड द एबिलिटी टू एक्सपेक्ट एंड टू लुक क्रिटिकली एट पावर होल्डर्स. और ये मेनली देखा जाता है ध्यान से कि जो पावर होल्डर्स हैं एंड द हाई एंड द माइटी, जो सबसे हाई पावर पर हैं, वो कैसे काम कर रहे हैं. पब्लिक एक्सप्रेशन ऑफ डिससेटिस्फैक्शन विद डेमोक्रेसी शोज द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेटिक प्रोजेक्ट. लोग जो अपना असंतोष दिखाते हैं उससे पता चलता है कि डेमोक्रेसी कितना अच्छा काम कर रही है, क्या सक्सेस रेट्स हैं उसकी. सो इट ट्रांसफॉर्म पीपल फ्रॉम द स्टेटस ऑफ अ सब्जेक्ट इन टू दैट ऑफ अ सिटीजन. मोस्ट Individuals today believe that their vote makes a difference to the way of government is run and to their own self-respect. एक पर्सन का जो वोट होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है, जिससे क्या है कि गवर्नमेंट को भी पता है कि अगर वो वोट नहीं मिलेंगे तो गवर्नमेंट कभी दोबारा नहीं आ पाएगी. तो इसलिए गवर्नमेंट को भी अवेयर रहना होगा और पीपल्स को अपने पार्टिसिपेशन जो वोटिंग है वो सोच समझ के करनी चाहिए कि अगर गवर्नमेंट आपकी नीड्स को, आपकी एक्सपेक्टेशंस को फुल कर रही है तभी उस गवर्नमेंट को हमें वोट करना चाहिए, अदरवाइज हमें उस गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करना चाहिए. तो हमें अपनी वोट की जो पावर है उसका ध्यान रखना चाहिए और डेमोक्रेसी को और सक्सेसफुल बनाना चाहिए. यहाँ पर हमारा टॉपिक ख़त्म होता है. थैंक यू सो मच. So don't forget to like and subscribe my channel. Thank you all.